जियार मखा जान सार मखा मंजिले इश्क जे चंद्र तारन मखा जियार मखा जान सार मखा मंजिले इश्क जे चंद्र तारन मखा काक जी हर कंधिय जे किनार मखा दुश्मन सिंधु के पाही सुर के पई। हुकूमती इदारों का किरदार और एक सोशल तंजीम का किरदार, जहाँ एक तरफ कोरोना वायरस के खौफ ने अवाम की नींदें हराम कर दी हैं, करोड़ों की फंडिंग और लामहदूद वसाइल रखते हुए हुकूमती इदारे खामोश हैं, वहाँ दूसरी तरफ समाजी तंजीम ह्यूमन राइट जस्टिस एंड डिफेंडर्स की टीम चेयरमैन अब्दुल वहाब अब्बासी की सरबराही में डायरेक्टर हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम बिलावल मल्ला और सिंध के तमाम सूबाई ऑर्गेनाइजर अपनी टीम के साथ इस वबा के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला लाड़काना सक्कर कंबर शदादकोट जिकमाबाद शिकारपुर थरपारकर उमरकोट सांगढ़ मीरपुर खास समेत पूरे हैदराबाद और मुख्तलिफ शहरों और एडमिनिस्ट्रेशन में फ्री मास्क फ्री हैंड वॉश और आगाही कैंप लगाकर आवाम को आगाही देने में सरगर्म है। और इसके साथ सेक्शन जजेस के 9 अजला डिप्टी कमिश्नर के 9 अजला और मुख्तलिफ बार में फ्री मास्क फ्री हैंड वॉश देकर जुडिशली को भी सिक्योर किया है। वाज़ेह रहे कि ये सारी फंडिंग ह्यूमन राइट जस्टिस एंड डिफेंडर्स के चेयरमैन एडवोकेट अब्दुल वहाब अब्बासी ने अपनी जेब से अदा करके न सिर्फ इंसानी खिदमत की एक आला मिसाल कायम की है बल्कि हुकूमती इदारों और साहिब हैसियत लोगों को ये मैसेज भी दिया है कि अगर हम सब मिलकर अपना किरदार अदा करें तो कोरोना को शिकस्त देना आसान है। जब हमने तंजीम के चेयरमैन एडवोकेट अब्दुल वहाब अब्बासी से रابطہ किया तो उनका कहना था कि पाकिस्तानी कौम पर यह मुश्किल घड़ी है और इसमें तमाम सोशल और हुकूमती इदारों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए और घर घर जाकर इस खतरनाक वायरस से बचाव के मुतालिक आगाही देनी चाहिए और इसके लिए हम हर किस्म की माली कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर हुकूमत सिंध हमें सिंध के मुख्तलिफ अजला में तहफ़ फराहम करे तो हम रजाकाराना तौर पर पूरी सिंध में फ्री मास्क फ्री हैंड वॉश और इमरजेंसी कैंप लगाकर इस खतरनाक वायरस को बदतरीन शिकस्त दे सकते हैं। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम बिलावल मल्लाह का कहना था कि हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी कौम के साथ हैं और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस वायरस पर फतेह हासिल कर लेंगे। अली जाफरी सोलंगी, HRJDO न्यूज़, हैदराबाद।